अनिशा हमारे बैक बैक करीब साल भर से दिल्ली की दहलीजों पर अपनी मांगों के लिए जमे हुए किसानों के बीच इस समय एक खुशी का माहौल है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लगातार यहां पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। किसानों में खुशी है, झंडे लहरा रहे हैं, बीच बीच में जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे हैं। कारण, प्रधानमंत्री ने आज सुबह देश के नाम संबोधन में ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार, केंद्र की सरकार, उन तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले रही है जिनके खिलाफ ये किसान यहाँ मोर्चे पर जमे हुए थे। हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति है। आइए आप आगे आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि किसानों के बीच किस किस्म की स्थिति बन रही है, क्या माहौल बन रहा है। अभी हमने पीछे देखा, कहीं पकौड़े बांटे जा रहे हैं, कहीं जलेबी बांटी जा रही है, किसानों के बीच जोश है। हमने कुछ किसानों से बात की, उनका ये कहना है कि संसद में एक बार प्रस्ताव पारित हो जाए तब यहाँ से उनका आंदोलन खत्म होगा, और ऐसी घोषणा किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कर दी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि किसानों की जो मुख्य मांग थी, तीन कृषि कानून वापस लिए जाएं, वो वापस लेने का ऐलान हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि संसद के शीत सत्र में प्रस्ताव आएगा और उस पर मोहर लग जाएगी। साथ ही उन्होंने MSP की भी बात की है, लेकिन किसानों का कहना है कि मुख्य मुद्दा MSP की गारंटी का है, और MSP की गारंटी अगर नहीं होती है तो बात अधूरी रह जाएगी। हम आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि और किसानों के बीच क्या चल रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीकों से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाए तो उसकी परिणति उसी रूप में होती है जिसकी घोषणा आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने देश के नाम संबोधन में गुरु पर्व की बधाइयां दी और साथ ही ऐलान किया कि केंद्र सरकार उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है जिसके खिलाफ बीते करीब एक साल से दिल्ली की दहलीजों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान, अर्थशास्त्री और दूसरे लोग होंगे जो तय करेंगे MSP क्या हो और बाकी किसानों की भलाई के लिए और क्या क्या जा सकता है। हम किसानों के बीच बैठे हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया, अब तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया जी कि कानून वापस हो रहे हैं, मुख्य मांग आपकी यही थी, लेकिन टिकैत साहब ने कहा है कि अभी संसद में आने दीजिए, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। चलिए आपकी प्रतिक्रिया बताइए। एक तो पहले MSP पे गारंटी कानून बने, हमारी मुख्य मांग तो MSP ही थी। ये तो कानून इन्होंने बनाया, वापसी कर लिया, लेकिन पहले MSP पे गारंटी कानून बने तभी यहाँ से उठेंगे किसान। अच्छा, MSP मुख्य मुद्दा है, तो आप बताइए, अब कानून वापस हो गए, MSP पे सरकार कह रही है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि एक कमेटी बनावेंगे, उसके अंदर विशेषज्ञ होंगे, किसान होंगे, तो अब अगला कदम नहीं, MSP पे तो दो लाइन लिखनी है बस। MSP पे तो कोई दिक्कत नहीं, किसान पिछले 7-8 सालों से मांग कर रहा, इस धरना तो ये बाद में शुरू हुआ, अब साल भर से किसान तो 7 साल से मांग कर रहा था कि MSP पे कानून बना दिया जाए। दो लाइन लिखनी है कि MSP का जो रेट होगा उससे कम अगर कोई खरीदता पाया जाएगा तो उसे जेल भेजा जाएगा, तो किसान की लुटाई बच जाएगी। दो लाइन पर इतना संघर्ष हो रहा, ये कहते हैं MSP लागू है। अरे MSP लागू है तो उस पर ये दो लाइन और लिख दो, ये किसान बच जाएगा। तो उसकी मांग तो हमारी बहुत पहले से चल रही है, ये तो इन्होंने ज़रूर करना चाहिए। तो बात MSP पे आ गई है, और इस दौरान बहुत सारे किसानों की शहादत हुई है, 400 से ज़्यादा जो बताया जा रहा है अनादे के तौर पे, 400 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, क्योंकि आंधी पानी, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में जमे रहे किसान अपने हक के लिए। अब क्या खेतों में वापसी की तैयारी? अभी प्रधानमंत्री संबोधन में ये कहा है कि हम शस्त्र के दौरान कानून वापस कर लेंगे, किया नहीं है। जब तक ये इनका शस्त्र चालू होगा ये कानून वापस करेंगे, और MSP पर गारंटी कानून बनाएगी सरकार, जब यहाँ से किसान हिलेगा, इन तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा।
कुछ चर्चा ये शुरू हो गए प्रधानमंत्री के ऐलान के साथ ही कि चूंकि 5 राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर पूर्व के एक राज्य में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो क्या ये चुनावी चाल भी कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा है? देखिए, चुनावी चाल का हम लोगों को नहीं पता, हम लोग अराजनीतिक लोग हैं, ठीक है। हमारे जो बिल वापसी की इन्होंने भी घोषणा करी है वो संसद सत्र में भी पता चलेगा, उसमें वापसी करें, एमएसपी पे गारंटी दें, हमारे जो 700 से ऊपर जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा, और देश प्रदेश के अंदर जो किसानों पे फर्जी मुकदमे किए गए उनकी वापसी, तब किसान जाके घर वापसी करेगा। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी सिर्फ घोषणा है, घोषणा को मूर्त रूप जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है संसद सत्र में होगा, तो उस पर जब मोहर लगेगी संसद की तब माना जाएगा कि वापस हो गए। और दूसरा, जैसा ताऊ बता रहे थे कि एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा है जिसके लिए पिछले 7-8 साल से लगातार संघर्ष जारी, उसकी गारंटी का कानून सरकार लेकर आए, और जहाँ तक बात है कि ये क्या चुनावी चाल है या चुनावी एक दांव खेला है सरकार ने, तो इस पर कह रहा कि हम लोग किसान हैं, अराजनैतिक लोग हैं, और सरकार चुनावी चाल करे या करे हमें अपने हक से और अपने उससे मतलब है। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री ने, और अब इसके ऊपर किसान और किसान नेता क्या सोच रहे हैं? हमारी एक मांग मान ली गई है तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं हम जो है, लेकिन केवल वो ये सोच रहे हो कि इतना कह देने भर से किसान मान जाएगा तो देश का किसान भी समझदार है, जिस संसद से आप इसको लेके आए हैं उसी संसद से इसको वापस करें और जल्द से जल्द वापस करें। और दूसरी हमारी एक मांग रह गई है अभी कि एमएसपी की गारंटी दे दो, तो उसको भी आप दे दें, ऐसा नहीं जो है ये तो आपने वो वापस लिया जो आप दे रहे थे, हम कह रहे थे भैया ये हमें ना चाहिए ऐसे रख लो, ये तो केवल आप जो हमें गिफ्ट दे रहे थे वो आपने अपने गिफ्ट वापस लिए, आप हमारे लिए जो गिफ्ट का अनाउंस कर चुके हो वो गिफ्ट हमें दे दो, वह उसी का हमें इंतजार है और बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने तो कह दिया संसद के सत्र शुरू हो रहा 29 तारीख से, उसमें प्रस्ताव लाएंगे, वापस ले लेंगे और एमएसपी के लिए एक कमेटी बना देंगे। नहीं, कमेटी की जरूरत क्या है, कमेटी तो बहुत पहले इस देश में एक स्वामीनाथन आयोग बना था और बड़े अच्छे अच्छे विद्वान थे, उन विद्वानों की रिपोर्ट ने सरकार को ये पेश किया है कि लागत मूल्य का 1.5 गुना कीमत किसानों को दे दो तो उनकी आधे से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी। ये तो दुगनी आय करने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये तो 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे हर खाते में जो है, तो इनकी इन बातों पे मत जाओ आप जो है, ये तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं जो है, तो हम ऐसी किसी बात की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। आज इन्होंने कम से कम जो हमें दी थी अपनी तरफ से, तो जो गिफ्ट कह रहे थे लेकिन हम तो उनको काले कानून कह रहे थे, वो वापस ले लिया है, तो उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और दिल की बहुत बहुत उस क्या कहने चाहिए आभार व्यक्त करते हैं उनका। लेकिन हमारे जो 700 साथी शहीद हो गए उनके बारे में सोचें मोदी जी, उनके परिवार के बारे में सोचें, और हमारी जो दूसरी वाजिब मांग है, कोई ऐसी गैर वाजिब मांग नहीं है कि हम आसमान के चांद सितारे मांग रहे हों, वो उनको और मांग लें मोदी जी, तो हम खुशी खुशी अब अपने घर को जाएं, जाड़े आने वाले हैं, नहीं तो आप समझ रहे हो दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है, फिर नहीं तो हमें यही ठुटुर ठुटुर के जो है फिर कीर्तन करना पड़ेगा रात में। ये जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको लेकर? हाँ, मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो तो नैतिक कर्तव्य बनता है इनका कि जब इनके मुख्यमंत्री अपने मुकदमे अपने से वापस ले सकते हैं तो इन्होंने तो हमारे पे मुकदमे लगाए, वो सारे के सारे राजनीतिक मुकदमे हैं, हमारी कोई ऐसा तो है नहीं कि पर्सनल कुछ सरकार की संपत्ति चोरी कर रहे हों उसके मुकदमे, तो ये सारे मुकदमे वापस ले लें, और जो इनका मंत्री एक बेलगाम हो गया था इनसे या इन्होंने ही उसको इशारा किया जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़वाई है, उसको ये तत्काल जो है ये थोड़ी सी भी इनमें शर्मजा बची हो तो अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और उसको जेल भेजें। केवल बर्खास्त करने से काम नहीं, जो उसने षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र में हिस्सेदार है, उसको जेल भेजें और एमएसपी पे गारंटी कानून ले आए, हम अपने घर जाएं। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो चुनाव आ रहे हैं यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के, उसको देख करके फैसला लिया? बिल्कुल एकदम 100% आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ मैं। ये पैसे, सरकारी पैसे को पानी की तरह बहा के अपनी रैली में अपने मन मुताबिक भीड़ नहीं ला पाए, तो ये वैसी भाषा नहीं समझ रहे थे, यदि वो भाषा आंदोलन की भाषा समझ रहे होते तो 1 साल से हमें सड़कों पर डाल के नहीं रखते, तो इन्हें तो वही भाषा समझ में आई है कि किसी भी झांसे में पैसे को छोड़ो, अब इनके किसी भी झांसे में देश का किसान नहीं आ रहा था, तब इन्होंने मजबूर होके
घुटने टेके हैं देश के किसानों के सामने, तो थोड़ी सी और इनसे अनुनय बने हैं उसे भी मान लें जो है। ये भारत के संविधान का मुख्य पृष्ठ मुख्य आवरण है और ये संविधान देशवासियों को अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन की इजाज़त देता है। उन्हें यह अधिकार देता है कि वो अपनी बात को रख सकें, सत्ता की किसी बात के खिलाफ अगर वो हैं तो उसके खिलाफ अपनी बात को जोर शोर से उठा सकें, आंदोलन करें और अपनी मांगों को मनवाएं। और आज इस संविधान की जीत हुई है जिस समय प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि उनकी सरकार उन तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले रही है जिसके खिलाफ बीते करीब एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान जमे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हालांकि उन कानूनों के पक्ष में बहुत सारी बातें कहीं कि ये ऐसे थे ये वैसे थे, लेकिन अंततः सार ये है कि मोदी सरकार को किसानों की मांगों के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। और हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, हमने देखा कि कैसे किसानों के बीच एक संतुष्टि का माहौल है, एक खुशी का माहौल है, लेकिन बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है और इस पर पूरी तरह विश्वास तब होगा जब जिस संसद से इन कानूनों को लोकतांत्रिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर पास किया गया था उसी संसद में इस कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ये एक बात है। दूसरी जो अहम बात किसानों ने कही है वो ये है कि हमारी मुख्य मांग MSP की गारंटी की है। किसानों का कहना है कि ये कानून तो हमने मांगे नहीं थे, सरकार ने ज़बरदस्ती दिए थे और ख़ुद ही वापस ले लिए, लेकिन मुख्य मांग है MSP की गारंटी, उसका कानून, तो जब वो नहीं होगा तब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी। और तीसरी बात जो किसानों ने कहा है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान 400 से 500 कुछ लोग 700 कह रहे हैं किसानों की शहादत हुई है, मौत हुई है, उनका कहना है उन किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही एक मांग और उठाई है किसानों ने कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को सरकार वापस ले जो किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। अभी चूँकि अभी करीब 2-3 घंटे पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया वापसी का, तरह तरह के किसानों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, किसान नेताओं का आना शुरू हो गया अलग अलग जगहों पर, दूसरी सीमाओं पर भी किसानों के बीच बातचीत चल रही है और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा अपनी जो भी रणनीति, अपना जो भी बयान होगा वो जारी करेगा। हम आपको तब उसका अपडेट देंगे। फिलहाल नमस्कार।